गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडेज पॉइंट ऑफ आवर वीडियो इज डिवीजन। ठीक है, ये वीडियो में आज हम ग्रेटर नंबर्स के डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम इन्होंने दिया है, हम सॉल्व करके दिखाएंगे आप सबको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है 248 को। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम हमारे डिवीजन का सिंबल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसको डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे 248। उसको हमें 2 से डिवाइड करना है तो हम इसको अभी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना पड़ता है सबको पता है। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल में हमें स्टेप बाय स्टेप देंगे क्योंकि 248 तो 2 के टेबल में नहीं आता, बराबर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज आवर 2। तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 के टेबल में 2 ये फर्स्ट नंबर पे ही आता है, बराबर। 2 1 2, तो यहाँ पे अभी माइनस करने के बाद बताओ कितना आता है, 2 में से 2 गए तो कितने रिमेनिंग रहते हैं यहाँ पे, 0। ठीक है, अभी जो सेकेंड और थर्ड नंबर है उनको हम नीचे ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें सेकेंड नंबर को डिवाइड करना है। तो सेकेंड नंबर को अभी डिवाइड करेंगे तो देखो 2 के टेबल में ये जो 4 है, जो सेकेंड नंबर है, वो कौन सा नंबर पे आता है देखेंगे। 2 1 2 2 2 4, यस ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 2 2 4। अभी 4 में से 4 गया, रिमेनिंग कितना रहे, 0 रहे। ऑब्वियसली सेम नंबर में से सेम नंबर जाएगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। अभी जो ये थर्ड नंबर है उसको हम लेंगे यहाँ पे नीचे, अभी उसको डिवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेपली। ठीक है, तो 8 यहाँ पे 2 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है चेक करो, चलो मेरे साथ काउंट करो। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड 2 4 8, तो कौन सा नंबर पे आया देखो, यहाँ पे 4 नंबर पे आया, 2 4 8। तो 8 में से 8 माइनस हो जाने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग रह रहा है देखो, 0। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो मुझे बताएं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसको क्वेश्चन बोलते हैं, किसको रिमाइंडर बोलते हैं, बराबर। तो इसका आंसर अभी हम लिखेंगे कि इसका क्वेश्चन आया है देखो, क्वेश्चन क्या यानी जो आंसर आया है वो, और आंसर क्या होता है देखो ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया देखो, 124, वेरी गुड। और रिमाइंडर क्या आया है देखो, यहाँ पे रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर यानी क्या बाकी रह गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। इस तरह से हम यहाँ और एक सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है देखो सेकेंड वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 863 को, किससे करना है, 3 से करना है। तो चलो इसको हमारे डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे हम, क्या है ये 863 को हमें डिवाइड करना है 3 से। तो चलो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो क्या करने का है आपको, यस क्या करने का है आपको, उससे कम वाला नंबर लेना है जो टेबल में है वो। यहाँ पे टेबल में 8 से कम 3 के टेबल में 6 है, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे आएगा देखो 3 2 6। तो यहाँ पे अभी 8 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया तो कितना आता है देखो, यहाँ पे आते हैं रिमेनिंग 2, बराबर। अभी क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर्स है उनको हम यहाँ पे नीचे लेंगे, क्या है ये 6 और ये 3, बराबर। अभी क्या करना है देखो, 2 और 6 इनको 7 में डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों 7 में डिवाइड करना है, क्योंकि 2 को सिर्फ 2 को डिवाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता 2 को डिवाइड, क्योंकि 2 है 3 से कैसे है कम है। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में ही 2 आते हैं क्या, नहीं आते, इसीलिए हम यहाँ पे 2 नंबर्स को एक साथ लेंगे। ठीक है,
टुगेदर ले लेंगे, तो यहाँ पे आया है 26। कोई थ्री के टेबल में 26 कौन से नंबर पे है बोलो। यस, नहीं आता 26 भी टेबल में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 26 से कम वाला नंबर थ्री के टेबल में आता है, ठीक है। तो कौन सा है वो? यस, 3 8 24। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 3 8 24, तो 26 के नीचे आएगा 24। तो अभी इनका सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 में से। और सब्ट्रैक्शन कभी भी कहाँ से करने का? राइट साइड से करने का, ठीक है। ये जो राइट साइड होती है यहाँ से, तो 6 में से 4 गए, यहाँ पे रिमेनिंग रह गए 2, 2 में से 2 गए 0। और अभी जो थर्ड नंबर बचा है उसको हम नीचे लेंगे, क्या है वो? 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी? 23 हो गया। तो चलो 3 से हम डिवाइड करेंगे 23 को। तो बोलो 3 के टेबल में 23 कौन से नंबर पे आता है? नहीं आता, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे 23 से छोटा नंबर लेंगे हम। तो 3 के टेबल में 23 से छोटा नंबर कौन सा है बोलो? यस, कौन सा है? 3 के टेबल में 23 से छोटा नंबर है देखो 3 7 21, बराबर। अभी 23 से 21 गए, तो 3 में से 2 गए 1, सॉरी 3 में से 1 गए, यहाँ पे रिमेनिंग रहते हैं 2, और 2 में से 2 गए 0, यानी कि अभी यहाँ पे रिमेनिंग कितना आया हमारा? 2 आया। देखो पहले के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें रिमेनिंग 0 आया है, और यहाँ पे रिमेनिंग 2 आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि रिमेनिंग 0 ही आना चाहिए, रिमेनिंग कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। एनी नंबर, रिमेनिंग इज एनी नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है उधर। तो इसका आंसर लिख देंगे हम इधर, हमारा क्वेश्चन क्या आया है, यानी कि जो डिवीजन आया है क्वेश्चन, वो आया है देखो, यस 287। और हमारा जो रिमाइंडर आया है वो है, यानी कि कितनी शिल्लक बाकी रह गई, तो रिमाइंडर इज आवर 2, ठीक है। तो आपको ये 3 स्टेप्स के प्रॉब्लम अभी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है तो प्लीज़ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये वाले स्टेप्स में। तो चलो, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।